बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समय लज़ाकिर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल समय स्किल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने का जा रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, ऐसी वेबसाइट्स की जो हमें रियल में अर्निंग देती हैं। रियल अर्निंग में सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल का, जिसके बारे में हर कोई वाकिफ है कि हम लोग गूगल में सर्चिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में अर्निंग करने का तरीका जो है वो है ये कि हमें एक वेबसाइट बनानी होगी, जिस पर हमें काम करने के बाद हमें गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और हमारी अर्निंग अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। अब फेसबुक पर हम लोग दो वेज से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो ईजी और बेहतरीन और जो हर कोई कर भी सकता है वो है गेमिंग। यानी अगर हम लोग फेसबुक पर लाइव गेमिंग करना शुरू कर दें तो हम लोग उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब फेसबुक पर गेमिंग करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेसबुक लेवल ऑफ प्रोग्राम, जिस पर जल्द ही एक ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जिस पर आपको बताया जाएगा कि आप गेमिंग करके किस तरह फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। जो सेकेंड वे है फेसबुक से अर्निंग करने का वो है एड ब्रेक से, यानी वीडियो अपलोड करना। अगर आपने कोई एक ऐसा पेज बनाया है जो हिट हो चुका है, यानी जिस पर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, आप वहाँ पर किसी की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपने पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं। बेसिकली ये फ़ीचर पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ये काम कर रहे हैं। यानी वो आपको फेसबुक पेज मोनेटाइज करके दे देंगे और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पेज को सेल्स करके भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब से हम लोग अर्निंग किस तरह कर सकते हैं? यूट्यूब पे हमें सिर्फ एक ऐसे टॉपिक की तलाश है जो ट्रेंडिंग पर है, फिर हमें उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो हमने उस वक्त तक अपलोड करनी है जब तक हमारा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो सकता। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो आपकी अर्निंग स्टार्ट है। लेकिन अगर यूट्यूब आपके चैनल पर मोनेटाइज नहीं करता, यानी आपको मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करता और आपका जो चैनल है वो भी एक काफ़ी पॉपुलर है, तो आपसे लोग खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे कि सर आप हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करें। इस तरह आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं और वो जिनकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप उनसे भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास टिकटॉक। आपके पास एक वायरल टिकटॉक अकाउंट है तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब टिकटॉक से अर्निंग किस तरह की जाती है? बेसिकली टिकटॉक पर स्टार फॉलोअर्स होते हैं, आप वो स्टार फॉलोअर्स को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने फैन हैं, यानी इतने फॉलोअर हैं कि आपसे लोग खुद ब खुद रब्ता करेंगे कि सर हमारे साथ एक वीडियो बनाएं, ठीक है, अब वो वीडियो बनाने के आप उनसे पैसे लेंगे, इस तरह आप उनसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास था जो है वो है डाटा एंट्री। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जो डाटा एंट्री का काम देती हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास कोई स्किल्स है, जिस तरह वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, इसके अलावा आपके पास जो भी स्किल्स हैं आप उनसे थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप फीवर पर जाकर वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद है बाय एंड सेल पेज फॉर FB, यानी आप फेसबुक पर पेज बनाएँ, उनको सेल्स करें तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अब इन पर आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं? ये आप अर्निंग उन पर इतनी कर सकते हैं जितनी आप मेहनत करेंगे आप उतनी अर्निंग करेंगे। हमारे पास फेसबुक से अर्निंग हो गया है कि हम लोग फेसबुक से अर्निंग किस तरह करते हैं। यूट्यूब से भी अर्निंग का हमने मेथड देखा है कि वो हम लोग किस तरह कर सकते हैं। टिकटॉक से भी देख लिया हमने। इंस्टाग्राम से अगर आपके पास एक वायरल पोस्ट है, यानी आपने एक पोस्ट डाली है जो वायरल हो गई है, जब आपकी कोई पोस्ट वायरल होगी तो जहरी सी बात है आपका अकाउंट भी वायरल हो जाएगा। अगर आपके पास 30K यानी 30,000 फॉलोअर्स हैं तो जो कंपनीज हैं, जो एडवर्टाइज़र हैं, यानी जो बिजनेसमैन हैं, वो आपसे खुद रब्ता करेंगे, सर आप अपने अकाउंट पर हमारी पोस्ट डालें, हमारी वीडियो अपलोड करें, हम आपको इसके बदले में पेमेंट देंगे। आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पेज को सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री का काम आजकल बहुत वायरल में है। उसके अलावा हम लोग फीवर पर अपना अकाउंट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग करके भी अपना
अर्निंग कर सकते हैं। अब इन पर आप जितनी ज़्यादा अर्निंग करेंगे आप उतने ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, यानी अगर आप इन पर ज़्यादा टाइम देंगे तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आप जितनी काम करेंगे आप उतना अर्न करेंगे। बेसिकली बहुत से दोस्त अब आप कहते हैं कि सर हम लोग इनसे कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उनका सिंपली यही आंसर है कि जितनी मेहनत आप करेंगे आप उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। बेसिकली वीडियो को एंड करने से पहले मैं चले रिवाइज़ कर देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से रियल अर्निंग सोर्सेज हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, और इन तमाम सोर्सेज से अर्निंग करने का कोर्स जल्द ही शुरू हो जाएगा। इनमें से कुछ का कोर्स ऑलरेडी शुरू है, यानी हम लोग गूगल से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप से भी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से भी अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। अब वो किस तरह कर सकते हैं, बेसिकली हमें किसी कंपनी से रابطہ करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो कॉन्टैक्ट हैं वो इतने कॉन्टैक्ट नंबर इतने ज़्यादा हैं कि कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने में फ़ायदा होगा, तो वो आपसे खुद ब खुद कहेंगे कि हमारी कंपनी को रابطہ करें। फेसबुक से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं यूजिंग एड ब्रेक्स, यूजिंग गेमिंग यानी गेम खेल के। उसके अलावा हम लोग YouTube से वीडियो अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। TikTok से हम लोग किसी की एडवर्टाइजमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा Instagram पर किसी की पोस्ट या वीडियो डालकर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। Facebook पेज को बनाकर उसके ऊपर लाइक्स फॉलोअर्स देकर हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, या Facebook पेज को हम लोग सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फीवर पर अकाउंट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं, और TikTok पर से भी अर्निंग। इन पर हम लोग जितनी मेहनत करेंगे हम लोग उतनी अर्निंग कर सकते हैं। इनकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।